नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। इंटरेस्टिंग क्या बोलूं यार, अभी तो जो है ये वायरस ने सभी जो है मैचेस को लगभग से कैंसिल कर दिया और अभी जो है सिर्फ एक ही हम लोग की उम्मीद है, वो है आईपीएल। आईपीएल जो है चालू होना चाहिए, नहीं तो फिर 2 महीना घर पे बैठना पड़ेगा बिना क्रिकेट के। खैर छोड़िए, मैं जो है आज जो है आप सभी के लिए बड़ी मुश्किल से न्यूज निकाल के लेके आया हूँ, तो आप सभी जो है इसको देखिए। अगर आपको जो है अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्रिकेट के फैन हो तो सब्सक्राइब जो है जरूर याद से कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने बीसीसीआई से। तब यहाँ पे जो है आज एक ऑफिशियल अपडेट आ गई है, जो जितने भी जो है भाई बीसीसीआई के मेंबर्स, यानी कि जितना भी जो है बीसीसीआई का ऑफिस है वो जो है कम्प्लीटली बंद हो चुका है। और आज से जो है जितने भी मेंबर्स है भाई अपने बीसीसीआई के, वो लोग जो है अपने घर पे बैठ के काम करेंगे टिल फर्दर नोटिस। हम सभी को पता है भाई, ऐसा जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो है अपनी बीसीसीआई उसको जो है मजबूरी में ये फैसला उठाना पड़ रहा है। उनके जितने भी ऑफिस थे वो जो है कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं, और सारे जो है एम्प्लॉयज़ को बोला गया है कि आप जो है घर पे जाके काम कीजिए। तो वैसे ही जो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने जो है अपने भी सारे क्रिकेट के मैचेस को कैंसिल कर दिया। ये जो है अफ्रीका ने अगले 60 डेज के लिए अपने क्रिकेट को बंद किया है, मतलब कि अगले 2 महीने तक जो है साउथ अफ्रीका में एक भी क्रिकेट नहीं होगा, इसका जो है ऐलान उनके बोर्ड ने करके रख दिया। तो भाई अभी जो है चालू था मोमेंटम कप वनडे, उसको भी जो है कैंसिल कर दिया है। वायरस के चलते जो है कुछ क्रिकेटर्स लोग के ऊपर भी जो है इसका असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्लब सर्रे की जो है टीम, उसमें जो है 6 प्लेयर्स को जो है कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। उनको जो है फिलहाल देखभाल के लिए रखा गया है अगले 14 दिनों तक। फिलहाल जो है उनकी रिपोर्ट आएगी 14 दिन के बाद, लेकिन उनको जो है ऐसा शक है कि सर्रे के 6 प्लेयर को वायरस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड के बैट्समैन एलेक्स हेल्स को लेके। हेल्स जो है जैसे ही PSL छोड़ के गए अपने देश, तो वैसे ही जो है हेल्स के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, जिसके चलते जो है एलेक्स हेल्स को भी अगले 14 दिनों तक कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए देखभाल के लिए रखा गया है। हम सभी जो है उम्मीद करते हैं हेल्स की जो है, और जितने भी जो है 6 प्लेयर सर्रे की, ये सब की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आ जाए। आयरलैंड टूर ऑफ जिम्बाब्वे की जो है इंटरनेशनल सीरीज होने वाली थी, लेकिन ICC ने जो है इसको भी पोस्टपोन करके रख दिया। तो हम सभी को जो है अगले 2 महीनों तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसी के साथ जो है भाई बांग्लादेश की ढाका प्रीमियर लीग जो कि भाई चालू थी, उसको भी जो है पोस्टपोन करके रख दिया है बांग्लादेश के बोर्ड ने। तब कम्प्लीटली जो है क्रिकेट के ऊपर ये वायरस का असर जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब बात करते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट, वो आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग के सेमीफाइनल मुकाबले से। आज जो है PSL का सेमीफाइनल मुकाबला होना था, उसके जो है जस्ट पहले ये खबर आ गई कि इसको जो है पोस्टपोन्ड कर दिया है, और आने वाले टाइम में जो है पाकिस्तान सुपर लीग की सेमीफाइनल को दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो है पाकिस्तान के PSL मैचेस को कैंसिल कर दिया है। हम सभी को जो है आने वाले टाइम में PSL के सेमीफाइनल मुकाबले दोबारा से होते हुए दिखेंगे, रीशेड्यूल होते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो कभी होंगे, कौन से दिन होंगे, इसको लेके कोई भी फर्दर अपडेट्स नहीं है। जैसे जो है अपने BCCI ने अपने ऑफिस को बंद कर दिया, वैसे जो है मुंबई क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन ने जो है 21 मार्च तक जो है अपने ऑफिस को बंद कर दिया है। तब इसका जो है असर वो आ चुका है MCA में, क्योंकि भाई जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो है बहुत ही ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, और जो MCA है, MCA ने 21 मार्च तक अपने ऑफिस को बंद करने को कहा है। अब बात करते हैं बहुत बड़ी खबर IPL 2020 और ऑजिस के प्लेयर्स लोग की। 15 अप्रैल से IPL चालू होने वाली है, ऐसी जो खबर आई थी, और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने सबसे पहले ऐसा कहा, हमने जो है सारा निर्णय वो छोड़ दिया है ऑजिस के प्लेयर के ऊपर कि उनको IPL खेलना है कि नहीं, ये जो है कम्प्लीटली उनका फैसला होने वाला है। लेकिन आज जो है भाई ऑस्ट्रेलिया के हम बोल सकते हैं बोर्ड ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है, वो जो है कहे है हम जो है अपने प्लेयर्स लोग को भेजेंगे नहीं भेजेंगे, इसके ऊपर अभी उनको डाउट आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने सिफल सीड ट्रॉफी को जो है अपना डोमेस्टिक मैचेस को
उसको जो है पोस्टपोन किया, तो वैसे ही जो है इसके ऊपर अभी तक ये जो है सारा निर्णय वो चालू है रिव्यू के अंदर। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड उनके प्लेयर्स लोग को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं देती है, तो वैसे में जो है ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस और भी जो है जितने भी बड़े बड़े ऑजिस के प्लेयर्स लोग हैं उनको जो है बहुत सारे पैसों का नुकसान होगा। लेकिन हम सभी को पता है अगर आईपीएल चालू हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली जो है ऑजिस के प्लेयर लोग खेलने आ जाएंगे। अब बात करते हैं आईपीएल 2020 की, तब यहाँ पे जो है अपने भाई बीसीसीआई ने सभी 8 टीम का जो प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप था उसको जो है कम्प्लीटली सस्पेंड करके रख दिया। हम सबको पता है हाल ही में जो है सबसे पहले सीएसके, आरसीबी ये सबके जो है कैंप को सस्पेंड किया और उसके बाद जो है सभी 8 टीम के प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप को सस्पेंड करके रख दिया। अब यहाँ पे जो है भाई ट्रेनिंग कैंप तो सस्पेंड हो गया और आईपीएल जो है 1 महीने बाद है, तब ऐसे में जो है जितने भी खिलाड़ी थे विदेशी लोग वो लोग जो है अपने घर वापस लौट चुके हैं, वो जो है आईपीएल का हिस्सा ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा फिलहाल नहीं है, वो लोग अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। जैसे जो है आईपीएल की डेट नज़दीक आएगी 15 अप्रैल, वैसे जो है सभी विदेशी जो है प्लेयर्स लोग अपने अपने फ्रेंचाइज के साथ में जुड़ जाएंगे। बात करते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल की। गेल ने एक जो है इंटरव्यू दिया, उसके अंदर बताए जब तक क्रिस गेल संन्यास लेते हैं उसके जो है पहले क्रिस गेल को 10 और सेंचुरी मारनी है। हम सभी जो है सोच सकते हैं क्रिस गेल जो है अगर संन्यास लेते हैं उसके पहले जो है क्रिस गेल को 10 और सेंचुरी मारनी है, शायद से जो है वो आईपीएल हो या फिर कोई भी डोमेस्टिक लीग हो उसके अंदर जो है गेल को और 10 सेंचुरी मारनी है। बात करते हैं सीएसके के धोनी। धोनी को जो है हम सभी पता है अपने फिटनेस को लेकर कितना ज़्यादा हम सभी जो है चौकन्ना है, वैसे में जो है जैसे सीएसके का कैंप जो है सस्पेंड हुआ धोनी जो है चेन्नई को छोड़ के रांची वापस पहुंच गए। रांची पहुंचने के साथ जो है धोनी ने एक जो है वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर जो है धोनी बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रही है, तो वैसे में जो है क्रिकेट छोड़ने के बाद जो है बैडमिंटन में आ गए। उनका मानना ऐसा है कि वो जो है एक भी दिन बिना फिटनेस के गुजार नहीं सकते, तो वैसे में जो है बैडमिंटन खेल के धोनी अपने आप को फिट रखते हैं। अब बात करते हैं आईसीसी के बहुत ही बड़े डेडलाइन की, तब यहाँ पे जो है आईसीसी ने सभी देशों को जो है 15 मार्च का डेडलाइन दिया था कि वो लोग जो है वर्ल्ड कप को होस्ट करें। 2023 से लेके 2031 का जो है वर्ल्ड कप का जो साइकिल है वो चलने वाला है, तब ऐसे में जो है आईसीसी ने 15 मार्च का डेडलाइन दिया कि कौन से देश को क्या क्या होस्ट करना है, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो हमें बताइए। तब ऐसे में जो है सिर्फ यूएसए और वेस्ट इंडीज के बोर्ड ने जो है आईसीसी को कहा है कि वो लोग जो है T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं, और जितने भी जो है अच्छे अच्छे देश थे बड़े बड़े इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीनों लोग जो है बोर्ड ने एक भी रेस्पॉन्स आईसीसी को नहीं दिया कि वो लोग जो है कुछ भी होस्ट करना चाहते हैं। हम सभी जो है समझ सकते हैं ये जो है सभी देश फिलहाल जो है वायरस से जो है इफेक्टेड है, इसके चलते जो है शायद से ये सब जो बोर्ड ने जो है इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है आईसीसी ने बहुत ही अच्छा जो है कैंपेन चालू किया है, अगले साल 2021 में जो है आईसीसी कुल 1 मिलियन गर्ल्स को जो है क्रिकेट खिलाएगी, तो वैसे में जो है फाइनली अपनी जो है भाई आईसीसी ने ध्यान दे दिया है वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ाने में, और अगले साल जो है 1 मिलियन गर्ल्स लोग को जो है क्रिकेट खिलाएगी आईसीसी, पूरा जो है कैंपेन को सिलेक्ट करने वाली है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है ऐसा कौन सा गेंदबाज है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिसने जो है बल्लेबाज को सबसे ज़्यादा बार डक के ऊपर आउट किया है? उस जो है गेंदबाज का नाम है वसीम अकरम। यहाँ पे जो है वसीम अकरम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 110 बार मतलब कि 110 टाइम जो है सभी बल्लेबाजों को डक के ऊपर आउट किया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है और हाइएस्ट है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की न्यूज़, आज का फैक्ट, सब कुछ जो है मैंने आप सभी के सामने रख दिया। अगर आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लगती है तो उसको एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जो है सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।